हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आइए हम आपको एक नए वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं। ये कक्षा 9th के बच्चों के लिए वीडियो है। ये उनकी ज्योमेट्री का 2.2 का चैप्टर है। इसमें कुछ प्रश्न है, उसको हम हल करेंगे। आपने 2.1 के सारे प्रश्न तो हल ही कर लिए होंगे, उसी से लिंक्ड, उसी पर आधारित ये चैप्टर है आपका। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट दिया गया है, फिगर आपके सामने है। ये रेखा यम और यन दो रेखाएँ हैं। अब ये पता नहीं कि समांतर है कि नहीं है, क्योंकि कहीं दिया नहीं गया है। और ये जो रेखा L है, L तिर्यक रेखा है, देख रहे हैं ना। इन दोनों रेखाओं को M और N को L प्रतिच्छेदित करती है। अब यहाँ पर ये जो ये कोण है, ये X है, और X का मान दिया गया है 110 अंश। और जो ये Y अंश का कोण है, Y कोण है, इसका मान दिया गया 71 अंश। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। आप हल करते समय लिखना पड़ेगा, देख लीजिए। पहले किंग दिया गया है कोण वाई बराबर 110 और यक्स बराबर 71। ओके, कोण वाई बराबर 110 और कोण यक्स बराबर 71। तो हमें ये पता करना है इस कोण के आधार पर क्या ये रेखाएं यम और यन समांतर हैं या नहीं। ठीक है, अब देखिए हल में हम आते हैं। तो हल में लिखेंगे, चूंकि कोण यक्स और कोण वाई कैसे कोण है आपके, अंतः कोण है, अंतः कोण है ना। यहां पर आप पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा, अंतः कोण है। अब अंतः कोण के बारे में आपने क्या पढ़ा था, अंतः कोण के बारे में आपने ये पढ़ा था कि अंतः कोणों की जोड़ियां क्या होती हैं, 180 होती हैं, अगर रेखाएं समांतर हैं तो। अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो अंतः कोणों की जोड़ियां 180 होनी चाहिए। और ये अगर अंतः कोणों की जोड़ियां, इनका योगफल 180 हो जाए तो रेखाएं समांतर होंगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, हम देख लेते हैं। कोण x प्लस कोण y इक्वल टू कितना है मान, x का मान है 71 प्लस 110। ठीक है, तो कोण x प्लस कोण y इक्वल टू, आप इसे ऐड कीजिए, ये होगा 181। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, हमें इन दोनों अंतः कोणों की जोड़ियों का योगफल तो कितना आ गया, 181 आ गया। और हमें चाहिए कितना, 180 चाहिए, 180 चाहिए। फिर इसलिए लिखेंगे, इसलिए एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 नहीं है ना, नहीं है, नॉट इक्वल टू। अब जब यह 180 के इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब इसलिए रेखा यम तथा रेखा एन समांतर रेखाएं नहीं, समांतर रेखा नहीं है। ओके, नहीं है तो मतलब ये रेखाएं समांतर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, एकांतरता की विलोम कसौटी, यहां पर लिख सकते हैं चाहे तो, एकांतरता की विलोम कसौटी। ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब आकर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू में दिया गया है ये रेखा यल और यम दिया गया है यहां पर। अब कैसा है पता नहीं। और रेखा यन जो है ये तिर्यक रेखा है, यहाँ पर कोण ए दिया गया है, यहाँ पर कोण बी दिया गया है। लेकिन दत्त में दिया गया है कि कोण ए बराबर बी, ये ए और बी बराबर है। तो पता करना क्या यल और यम समांतर है, कितना सिंपल है। पहले आप ये बताइए, ए कोण ए और कोण बी कौन सी श्रेणी में आता है। आपको 5 प्रकार कोण बताए गए थे, याद होगा आपको, मैं रिपीट करता हूँ फिर से। सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल, लिनियर एंगल, रेखीय युगल कोण, अल्टरनेट एंगल और इंटरनल एंगल और एकता करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कैसे हैं, ये हैं अल्टरनेट एंगल। और लिखा गया है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये क्यों लिखा गया है, यहाँ पर लिखेंगे दत्त तो गिवेन दिया गया है, लेकिन ये कोण वाह एकांतर
कोण है। अब ये दोनों कोण बाह्य एकांतर कोण हो गए, और आपने पढ़ा था कि एकांतर कोणों की जोड़ियां सर्वांशम होती हैं। ऐसा कब होता है? जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। अतः L समांतर M होगा, ये सिद्ध हो गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीन, ये दो था आपका, क्वेश्चन नंबर तीन समझने के लिए यहां पर जरा आइए। तीन में क्या दिया गया है? यहां पर तीन रेखाएं दी गई हैं। ठीक है, तीन रेखाएं समांतर हैं कि नहीं है, इसकी चर्चा कहीं भी हमारे प्रश्न में इसका चर्चा किया नहीं गया है। रेखा यल या एन है, और ये जो एक तिर्यक रेखा है इसको मैं पी मान लेता हूं। तो यह इस प्रकार से यहाँ दो कोण बने हुए हैं, बी और ए बना हुआ है, यहाँ पर यक्स और वाई बना हुआ है। यहाँ पर दिया गया है कोण यक्स बराबर, कोण यक्स बराबर वाई के है, ये यक्स वाई बराबर है, और ए बराबर बी के है। तो आपको सिद्ध करना है कि रेखा एल समांतर एन। चलिए अब यहाँ हम लिखेंगे हल, लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे? कोण ए इक्वल टू, कोण ए इक्वल टू कोण बी, यह दत्त है ना, यहाँ पर हमने लिखा दत्त, किंतु ये संगत कोण है, पता ना संगत कोण है ना, ये संगत कोण है। तो जब ये और ये संगत कोण आपस में बराबर हो गए, इसलिए रेखा L समांतर रेखा M, समीकरण नंबर एक। आइए आगे देखिए, पुनः कोण x इक्वल टू कोण y है ना, ये भी है दत्त, ये है दत्त है, किंतु ये कैसे कोण है, किंतु ये एकांतर कोण है एकांतर। और जब एकांतर कोण बराबर हो गए तो रेखा m, इसलिए रेखा यम समांतर रेखा एन, एकांतरता की विलोम कसौटी, एकांतरता की विलोम कसौटी। अब समीकरण नंबर यहां दो डाल देते हैं। जरा समीकरण एक और दो देखिए, एक में आपने देखा जो रेखा एल है वह यम के समांतर है, और दो में देख रहे हैं कि यम समांतर यन के हैं। तो अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण एक और दो से L समांतर M, ये एक में था ना, और यही M समांतर N के हैं, यहाँ पर एक साथ लिख देंगे N लिख देंगे। माने रेखा L समांतर M समांतर N, तीनों रेखाएं समांतर हो गई, लेकिन हमें तीनों रेखा नहीं दिखानी है, सिर्फ दिखानी कौन सी है, L और N। तो M छोड़ दीजिए, इसलिए L समांतर N, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर तीन था, 2.1 का, 2.2 का। अब इस सवाल को, आगे के सवाल को हम देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर फोर है। जरा आकृति को ध्यान से समझिए, आकृति इस प्रकार से बोलती है कि जो रेखा ए बी है, ए बी ये रेखा ए बी दिख रही ना, रेखा ए बी रेखा डी ई के समांतर है। ठीक है, और कोण सी का मान दिया गया है 50, और कोण डी का मान दिया गया है ये 100 दिया गया है। आपको ये पता करना है कि कोण ए बी सी का मान, ये मान कितना होना चाहिए या कितना होगा। ठीक है, उसके लिए हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, जरा देखिए, रचना मैं बता दूं पहले। आकृति में, आकृति रचना, बिंदु सी से, या बिंदु सी से ए बी के समांतर एक रेखा खींचा, ये देखिए, इसका नाम पी क्यू रख देंगे, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू। अब जब यहाँ आपने समांतर रेखा खींच ली है, आप जरा देखिए यहाँ पर उपपत्ति, उपपत्ति उपपत्ति में क्या, ए बी समांतर डी ई, ये तो दिया गया है ना, आपको दिया गया है, किंतु ए बी समांतर पी क्यू, ये आपने रचना की है। समीकरण नंबर एक करके यहाँ पर दो कर लीजिए, एक और दो यहाँ पर कर लीजिए। अब एक और दो से क्या पाएंगे, एक और दो से ए बी समांतर पी क्यू समांतर डी ई, माने ये तीनों रेखाएं समांतर हो गई। अब तीन रेखा समांतर नहीं देखना है हमको, सिर्फ देखना है डी ई और सी क्यू,
इसलिए डी ई समांतर सी क्यू हो गया ना, ठीक है। अब जब ये डी ई, अब यहां पर डी ई समांतर जो यहां पर पी क्यू था, पी क्यू का मैंने केवल सी क्यू लिया है, तो सी क्यू। अब जब ये डी ई और सी क्यू समांतर हो गए, जरा ये कोण देखिए, ये कोण और ये कोण कैसे कोण है, कैसे कोण है, अंतर कोण है। तो अब लिखेंगे, देखिए यहां पर कोण डी प्लस कोण डी सी क्यू बराबर 180, क्यों 180, अंतः कोण है, ये कैसे कोण है, अंतः कोण है। जरा मान रखिए डी का मान 100 है, प्लस कोण डी सी क्यू बराबर 180 हो गया, तो कोण डी सी क्यू बराबर 180 माइनस 100 हो गया, तो कोण डी सी क्यू बराबर 80 अंश हो गया। अभी हमें डी सी क्यू का मान आ गया। अब यहां मैं लिखता हूं डी सी क्यू का मान कितना, 80, ठीक है। अब आप ये बताइए, यहां जरा देखिए, ये कोण डी सी क्यू दिख रहा है, और ये कोण, और ये कोण कैसे कोण है, रेखीय कोण है। रेखीय कोणों के योगफल हमेशा 180 आते हैं, तो हम वही यहां पर लिख रहे हैं। जरा देखिए, कोण डी सी क्यू प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण बी सी पी बराबर 180, क्यों, रेखीय कोण। युगल मत डालिएगा, केवल बोलिए रेखीय कोण, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आपको दो मान मालूम है, डी सी क्यू का मान मालूम है 80, और बी सी डी का मान आपको मान मालूम है 50 प्लस कोण बी सी पी बराबर 180, यहां पर लिखेंगे रेखीय कोण। अब ये हो जाएगा कोण बी सी पी बराबर 180 माइनस, ये दोनों इधर लेकर आएंगे, कितना, ये 130 है, 130, तो कोण बी सी पी बराबर कितना हुआ, ये 50 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए आकृति में आइए, ये हो गया 50, ठीक है। अब इसको, ये 50 हो गया, तो ये मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहां देखिए कोण बी ये वाला, ठीक है ना, प्लस कोण बी सी पी बराबर 180, क्यों है, ये अंतः कोण लिखिएगा, बी का मान आपको मालूम नहीं है, तो कोण बी प्लस ये कितना है, 50 है, बराबर 180, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 180 ऋण 50, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 130 अंश, ये हो गया कोण बी का मान। इस प्रकार से आपका ये 2.2 चैप्टर जो है पूरा होता है। इसको अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपका ये ज्योमेट्री का 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हुए। फिर हम इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे तुम्हारे लिए, लेकिन उसके पहले, रिवाइज करने के पहले आपको अच्छे समझ में आए, इसका क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा हल करने के लिए, आपको अच्छे समझ में आए उसके पहले आप इन चारों चैप्टर को 1.2, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ये चारों चैप्टर को अच्छे से भलीभांत पढ़कर तैयार कीजिए, ताकि आपको दिए गए क्वेश्चन में, क्वेश्चन को हल करने में कोई प्रॉब्लम न हो, ठीक। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे, समझ में आए, वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और समझ नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए यहाँ पर प्रॉब्लम आपको कहाँ पर हो रही है, ताकि आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो।